दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे एक यूट्यूबर फ्रेंड का हमें मैसेज आया, कमेंट आया कि सर हम अगर 500 लीटर का आरओ तैयार करना चाहें तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, प्लीज़ हमें इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए, इनके नाम और इनकी डिटेल, थैंक यू। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले 500 लीटर आरओ में अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, किसी में 3 सिलेंडर लगे होते हैं, उनका मकसद अलग होता है, किसी में 2 लगे होते हैं और किसी में 1 लगा होता है, उसी हिसाब से इसके रेट फाइनल होते हैं। तो सबसे पहले फीड पंप मोस्टली लूवी ब्रांड का यूज़ किया जाता है, और फिर बूस्टर पंप जो लूवी कंपनी का ही बेस्ट माना जाता है, जो टॉप ब्रांड है। तो ये पंप मेम्ब्रेन से पहले लगाया जाता है जिसे बूस्टर पंप कहते हैं, और एसी से ऑपरेट होता है। इसके अलावा हमें चाहिए मेम्ब्रेन, कुछ जगह 4 लगती हैं, कुछ जगह 2 लगती हैं, 4040 लगाएंगे तो 2 लगेंगी। ये मेम्ब्रेन हाउसिंग है दोस्तों, 2 तरह की आती है, पीवीसी मटेरियल में और प्योर स्टील में भी आती है दोस्तों। इसके अलावा हम जंबो फिल्टर भी कुछ आरओ में लगाते हैं, तो जंबो फिल्टर 20 इंच का होता है और स्पान इसके अंदर लगाते हैं, और कार्बन फिल्टर भी अलग से लगाते हैं। जो कार्बन फिल्टर लगाते हैं दोस्तों, वो वहाँ हम 3 सिलेंडर यूज़ करते हैं, नंबर 1 सैंड फिल्टर, दूसरा कार्बन फिल्टर, तीसरा वाटर सॉफ्टनर। इसके अलावा डोजर लगाते हैं जिसकी मदद से हम जो स्केलिंग जमती है, डिपॉजिट होती है मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको रिमूव करते हैं ताकि जो मेम्ब्रेन है वो ख़राब ना हो, उसके ऊपर क्लोरीन या और साल्ट डिपॉजिट ना हो, जल्दी ब्लॉक ना हो। तो ये काम होता है पंप का, जो जिसे हम कहते हैं डोजर पंप, स्केलिंग डोजर पंप। इसके अलावा जो प्रेशर गेज यूज़ की जाती हैं, आउटपुट का पानी कितना आ रहा है, इनपुट पे कितना प्रेशर है, सोलेनॉइड वाल्व यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक, जब भर जाए तो बंद हो जाए दोस्तों। इसके अलावा लो प्रेशर स्विच भी यूज़ किया जाता है ताकि अगर पानी की सप्लाई किसी वजह से ना आए या फिल्टर ब्लॉक हो जाए तो ये सिस्टम ऑन ना हो और ख़राब ना हो। थैंक यू।